आपके अपने चैनल के साथ सैयद यासर हुसैन शाह। जैसा कि पहले भी मैंने एक दो वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, मस्जिद का एक गुंबद बना रहे हैं, तो आज इसमें एक नई चीज़ है जो कि मैंने आपसे शेयर करनी है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक नई वीडियो बनाता हूँ जिसमें नए आने वाले जो टेक्निकल इंजीनियर सुपरवाइजर्स होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो मैं आपको ये जाके करीब से भी शेयर करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आपने एक प्लाई लगाई हुई है शटरिंग की, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ बिल्कुल करीब से। ये देखें, यहाँ तक मैंने आपको जैसे पहले बताया था वीडियो में कि ये हमने एक 3 फीट हाइट की तकरीबन हमने ये हमने पर्दी उठाई थी ना। तो अब इसके ऊपर से गुंबद की एक गुलाई देखते हैं बनती है, तो हम गुलाई उठा रहे हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा ये जो गुंबद वगैरह जो कहीं भी कंक्रीट की जाती है तो उससे पहले फॉर्म वर्क का काम होता है, फॉर्म वर्क किया जाता है, शटरिंग यानी कि लगाई जाती है, उसके बाद होती है पोरिंग। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, आपने इससे पहले शायद के देखा ना हो इस तरह की चीज़। ये देखें, मैंने अंदर एक ना प्लास्टर की रेती छाने वाली एक जाली लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने इंटरनल वाले स्टील के साथ लगाई है, ये देखें। तो अब इस पर मैं अंदर की तरफ पे जो है वो शटरिंग नहीं यूज़ करूँगा फॉर्म वर्क वगैरह, क्योंकि उस पर बड़ा टाइम लग जाएगा और ये एक नई चीज़ है। या आप जो नए इंजीनियर्स हैं या आप पुराने भी हैं फील्ड में तो उन्होंने भी नहीं देखी होगी, ये एक नई समझ लेंगे टेक्नोलॉजी आई है, नई सोच है एक कि हमने अंदर ये चीज़ लगाई है जाली, और बाहर की तरफ से भी मैं बिल्कुल इसकी शटरिंग नहीं करूँगा। ये आप बाहर देख सकते हैं उठे हुए, इन बार्स को मैं डबल करूँगा जब ये नीचे वाला हिस्सा भर लूँगा, ये वाली शटरिंग तक का मैं जब इसकी पोरिंग करूँगा। अभी इंशाल्लाह एक दिन में इसकी अलग वीडियो फिर आपको बना के दिखाऊँगा। इसके बाद जब ये ऊपर वाली बार जो ऊपर जा रही है वर्टिकली, इनको भी मैं बिल्कुल स्टील फिक्सिंग करने के बाद इसकी फिर मैं बाहर से भी फोल्डिंग नहीं करूँगा, बल्कि इसका तेज़ रेशियो बना के उससे पोरिंग इसकी करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो कमेंट्स आते हैं उससे मेरा बिल्कुल जो हौसला अफजाई होती है। और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके साथ वीडियोस बना के शेयर करता रहूँगा प्रैक्टिकली। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।